Hello children, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so in last video we have to discuss the stars, planets and heavenly bodies. So what is the meaning of star? What is the meaning of stars? The heavenly bodies that twinkle are called star. And what is the meaning of planets? The heavenly bodies that do not twinkle are called planets. You have already discussed in last video. Okay, so children, now today we are going to learn the solar system. Okay, our earth is a planet. हमारी धरती क्या है? हमारा प्लैनेट है. अर्थ क्या है? और अर्थ इज ए प्लैनेट. हमारी अर्थ एक प्लैनेट है. प्लैनेट मीन्स द हिवनली बॉडी दैट डू नॉट ट्विंकल. तो अर्थ टिमटिमाती है क्या? नो. ओके, वाई? बिकॉज अर्थ इज ए प्लैनेट. ओके, इट गेट्स इट्स लाइट्स फ्रॉम द सन. हमारी अर्थ को सन की तरफ से रोशनी मिलती है. ओके, इट मूव्स अराउंड द सन. इट्स मूवमेंट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. अर्थ सन के अराउंड में चक्कर लगाती है. हम उसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. द मूवमेंट अराउंड द सन, इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. अर्थ सन के अराउंड में चक्कर लगाती है, घूमती है, उसे क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. सी द फिगर. इन दिस वे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, सो बिसाइड्स अर्थ देयर आर सेवन अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज वेल एज देयर आर सेवन अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. जैसे अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है, लाइकवाइज इन सेम वे सेवन अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. वैसे ही और सेवन प्लैनेट्स है जो वो भी प्लैनेट सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं. दे आर मर्क्यूरी. सी द फिगर ऑफ अवर सोलर सिस्टम. ओके, सो विच आर द सेवन planets? The seven planets are, they are Mercury, see the figure, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, so every planet in the solar system revolves around the sun. See the figure. Okay, in this figure what we observe? सन कहाँ है? इन द सेंटर द सन इज प्रेजेंट. ओके, एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन. दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून. ओके, सो जो लाइंस दिख रही है आपको, यू नो वेरी वेल, लाइंस मीन्स जो आपको ओवल शेप में जो लाइंस दिख रही है. ओके, सो दिस इज द पाथ ऑफ द दैट प्लैनेट. ओके, सो दिस पाथ इज नोन एज द प्लैनेट्स ऑर्बिट. उस पाथ को क्या कहा जाता है? प्लैनेट्स ऑर्बिट कहा जाता है. मीन्स जो ओवल शेप आपको फिगर में दिख रहा है वो क्या है? पाथ ऑफ दैट प्लैनेट्स नोन एज प्लैनेट्स
orbit. Okay, the sun, which is a star, and the planet that revolves around it are together called the solar system. Okay, the sun. सन क्या है? द सन विच इज ए स्टार. सन क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार है. ओके, एंड द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम. सन क्या है? एक स्टार है, और जो पूरे वेरियस टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और जो प्लैनेट है वो पूरे प्लैनेट्स सन के अराउंड में चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व होते हैं, तो उनको सबको कंबाइनली टुगेदरली क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम. ओके, अंडरस्टैंड इट. बिसाइड्स द प्लैनेट्स, द सोलर सिस्टम आल्सो इंक्लूड वेरियस अदर हिवनली बॉडीज. जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड में रिवॉल्व होते हैं, एज वेल एज देयर आर various other heavenly bodies that present around the sun. Okay, और sun के आजू बाजू में और heavenly और various types of heavenly bodies are present. Okay, children, I hope you all are understand. Thank you.